क्योंकि सैंडल हाथ में है रेडी होके, और ये ड्रेस पहनी मैंने, बताना कैसी लग रही है। और भाभी भी बहुत अच्छी लग रही है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये रहा किसी का डायपर बैग, वो भी रेडी है। चलिए आप लोगों को भी घुमाने ले चलते हैं, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, वहाँ चल के बताते हैं, है ना। रेडी हो गए हैं, भाभी वहाँ है, भाभी इधर आइए, सेल्फी ले रही है वो। यहाँ पे ये लोग भी रेडी हैं, ये देखिए। और हमारी छत बालकनी का व्यू कितना अच्छा है, बालकनी मतलब छत का, उधर हमारा रूम है पीछे और ये छत है, यहाँ पे डिनर करेंगे हम आज। और सामने का व्यू मैं दिखाती हूँ लेक का, तो कुछ ऐसा व्यू है, ये देखिए सामने, ये जो नैनी झील है, इस यही देखने लोग आते हैं, मतलब इसी के नाम पे नैनी ताल पड़ा हुआ है नैनी झील के नाम से। तो ये हमारे होटल के जस्ट सामने का व्यू है, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे रूम लिया था। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे झील में बोटिंग करने के लिए सभी लोग, तो बस अब यहाँ से टिकट लेंगे, उसके बाद फिर हम बोटिंग करेंगे। तो यहाँ से इन लोगों ने ले लिया है टिकट, और बस इसके बाद हम लोग बैठेंगे आराम से नाव में और घूमेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बोट में घूमना, तो चलिए फिर मिलते हैं। हम नैनीताल में वो कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए पानी, नहीं यार पानी, पहाड़ और बीच में हम, ये रही मेरी फैमिली। इधर देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, यस बहुत अच्छा लग रहा है इनको। अरे भैया बड़े लोग बड़ी बातें, ये वियना घूम के आए विदेश, तो हमसे कह रहे हैं वियना की याद आ गई, हम गरीब लोग नैनीताल घूमते हैं, ये विदेश घूम के आए हैं कह रहे हैं। उधर भैया लोग बैठे हैं ना दूसरी बोट पे, तो ये लोग अलग बोट पे हैं, क्योंकि मतलब सेम बोट पे ज़्यादा लोग को नहीं बिठाते हैं, काफ़ी अच्छा दो लोग को बिठाते हैं, मतलब फैमिली छोटे छोटे बच्चे, तो ये हमारी फैमिली इस पे है, भैया भाभी इस पे। अच्छा सेल्फ बोटिंग में, सेल्फ बोटिंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि बच्चे हैं ना, दिक्कत हो जाती थी। अच्छा कोविड की वजह से, अच्छा ये नाव वाले भैया, अच्छा अच्छा कोविड वाले भैया बता, कोविड वाले भैया सॉरी नाव वाले भैया बता रहे हैं कि ये जो है ना कोविड की वजह से दो लोगों को अलाउ किया है, नहीं तो चार लोग पहले इस पे बैठते थे, बट अभी क्या है दो लोग ही बैठते हैं, है ना, कोविड की वजह से अलाउ नहीं करते। तो ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और सच में इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब बोट पे बैठ के चारों तरफ का नज़ारा कि मैं क्या बताऊं, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती मैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत था। तो चलिए आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था सच में, मतलब क्योंकि अभी अपने यहाँ यूपी में बहुत गर्मी है और वहाँ पर सर्दी का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड ठंडा ठंडा सा पानी है, नेचुरल पानी, और नेचुरल पानी आप लोग सोच रहे हैं पानी तो नेचुरल ही होता है, आई मीन मतलब जैसे बहुत जगह कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है ना। दिल लगी
एक बार जरूर आइए नैनीताल या पहाड़ों में कहीं भी, बहुत मजा आ रहा है। हम हमारा फर्स्ट विजिट है बट बहुत मजा आ रहा है, सच में बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। और होता है ना कभी कभी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, तो सच में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ऋषि भी खूब इंजॉय कर रहा है, उसने एक बार पानी उसके हाथ में छुआ दिया, फिर वो लगातार पानी छुए जा रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा पानी था और सच में बहुत मज़ा आया। बस अब हम लोगों ने राइड ले ली है, अब हम आ रहे हैं किनारे पे, इसके बाद फिर हम लोग और कहीं भी जाएंगे। जो ब्यूटी है ना यहाँ की, नैनीताल की, नैनी झील की, वो मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, कैमरा बिल्कुल भी आपको वो लुक नहीं दे पा रहा है जो एक्चुअल है। आप सच में आके देखना, इतना खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझे फिर से कभी भी ऑफर करके चलो घूम के आते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ही बोले तो मैं तुरंत आ जाऊँगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा है, देखिए इतना धूप में घूम के आए, बिल्कुल पसीना नहीं हुआ और बहुत खूबसूरत है। सी मज़ा आया गाइज, तो बोटिंग स्पेशली बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग जा रहे हैं, कोई व्यू पॉइंट है यहाँ पे, 7 व्यू पॉइंट, वो घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी घूम के आप लोग के लिए चलते हैं वहाँ भी। और ये देखिए ये पहाड़ों वाले फल, आड़ू है और पता नहीं क्या क्या है, वो बता रहा था नाम मैं भूल गई। ये सब ऐसे बेचते रहते जगह जगह पे, बट खाने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने लिया नहीं। 7 पॉइंट घूमने, एक्चुअली हम यहाँ पे क्या होता है कि लोकल में अपनी कार नहीं, मतलब फिर नहीं ले जा सकते, तो हमने यहाँ पे कार बुक कर लिया है। बोट वाले जो भैया थे उनका ही कार थी, उन्होंने ही कर दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं 7 पॉइंट, मतलब एकदम टॉप तक जाएंगे, 7 पॉइंट है वहाँ तक भैया हम लोग को लेके जाएंगे घुमाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं और हम लोग एक्साइटेड है ना गाइस, टॉप पे जाएंगे हम, पहाड़ों के टॉप पे। तो अब आप देखिए खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, ये देखिए अभी जब ये कार चलने लगी तब देखिएगा, बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है ऐसे पहाड़ों में चलना। तो अभी हम जा रहे हैं 7 पॉइंट में, जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे ऊपर बिल्कुल पहाड़ों में टॉप पे। तो अभी ये जो भैया हैं ये हम लोग को वहाँ लेके जा रहे हैं, तो चलिए मैं भी आप लोग को वहाँ लेके चलती हूँ। हम लोग आ गए हैं व्यू पॉइंट पे, सबसे टॉप पे, तो बहुत ही ऊपर आ गए हैं हम, दिख नहीं रहा है, वहाँ से दिखाते हैं, रुकिए कैसा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है इन लोगों ने देखने के लिए, और ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, मतलब ऐसे मैं आप लोग को बता नहीं सकती, सामने से अगर आप देखते तो मुझे तो सांस भी थोड़ी कम पड़ रही थी, इतना ऊंचा है ये। अभी हम लोग हैं पहाड़ों के एकदम टॉप पे हैं हम लोग, ये देखिए वहाँ से बादल भी दिख रहे हैं, दिस इज द व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सच में गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बादल दिख रहे हैं वहाँ से, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सांस लेने में हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं हाँप रही हूँ। भाभी कैसा लग रहा है, हम लोग टॉप पे हैं, टॉप पे मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है सच में गाइस। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग एक बार ज़रूर आके घूमना, बहुत खूबसूरत है नैनीताल।
और यहाँ पे मतलब जो गन अभी रखी थी आपने देखा होगा, उसे ना निशाना लगाते हैं। इन लोगों ने पेड़ पे बॉटल्स बांध रखी थी प्लास्टिक की, उसी से सब लोग निशाना लगा रहे थे। तो और ये सामने का व्यू देखिए, पहाड़ और पूरे चारों तरफ बादल ही बादल, ये देखिए तो इतना ऊंचा है कि बादल बिल्कुल हमारे पास में है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था गाइस, सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए बिल्कुल बादल हमारे पास में ही है और बहुत प्यारा था सच में। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी के जो 6 पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ हम सब की, तो आप लोग वो देखिए और एंजॉय करिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।